हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिनों के लिए पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई है। इस अभियान में बाल वाटिका से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें उन्हें पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराकर विभिन्न कलात्मक गतिविधियों से उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाना है। यह अभियान मुख्यतः स्थानीय, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में बच्चों के समझ के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार आनंदपूर्वक नए नए तरीकों से उनके पठन संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत छात्रों में रचनात्मक सोचने की कला, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से उनके अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना है। इस अभियान में छात्रों का अलग अलग समूह बनाया जाएगा, जिन्हें हर सप्ताह अलग अलग क्रियाकलाप दिया जाएगा और यह क्रियाकलापों को मनोरंजन के रूप में तैयार किया जाएगा ताकि बच्चे पढ़ाई में आनंद ले सके। वहीं इन क्रियाकलापों को सरल और आनंददायक भी बनाया गया है, क्योंकि देश में चल रहे महामारी के बीच संसाधनों के साथ स्कूल बंद होने की स्थिति में माता पिता, साथियों और भाई बहनों के मदद से भी इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस अभियान को 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए चलाया जाएगा। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।